हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ सुधा डबराल, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है, इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। ये हमारी बुक का फिगर 6.39 है और हमें कहा गया है कि QP and RQ ऑफ ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल PQR है, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स S एंड T। PQ जो लाइन है वो आगे S तक प्रोड्यूस की गई है, बढ़ा दी गई है, और QR को आगे T तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। इफ़ एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री, SPR ये वाला एंगल अगर 135 डिग्री है एंड एंगल PQT ये वाला एंगल हमें 110 डिग्री दिया है, देन फाइंड एंगल PRQ हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन है वो हम नोट डाउन करेंगे। हमें गिवन है एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री, एंगल PQT इक्वल्स टू 110 डिग्री। ओके, टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है, एंगल PRQ। ओके, नाउ सॉल्यूशन, आप ये TQR एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। ओके, इस स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहे हैं, एक है PQT, दूसरा PQR, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के एंगल होती है, और उसको अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो एंगल को डिवाइड कर दें, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है और हम बोलते हैं इनको लीनियर पेयर। तो इसी वजह से एंगल TQR इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हम जानते हैं। तो देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हम यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर, रीज़न ज़रूर बताना है। ओके, एंगल PTQ हमें कितना गिवन है, 110। PQT आप इसके जगह आप लिखेंगे 110 डिग्री, एंगल PQR हमें गिवन नहीं है, हमें इसे फाइंड आउट करना है। एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, 110 डिग्री को हम इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल PQR इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 डिग्री। ओके, हमने ये फाइंड कर लिया। ओके, 70 डिग्री। हाँ, अब आ जाइए सेम इस लाइन में आ जाइए। SPQ एक स्ट्रेट लाइन है, SPQ इज अ स्ट्रेट लाइन, जब SPQ एक स्ट्रेट लाइन है और PR जो है इस स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं। ओके, एक है SPR और दूसरा है QPR। ओके, एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री, आप रीज़न लिखेंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके, सेम एज इट इज जैसे ये वाला किया था हमने। ओके, अब इन दोनों का सम तो 180 हो गया, अब SPR हमें कितना गिवन है, 135 डिग्री, प्लस एंगल QPR हमें नहीं गिवन तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे और अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंगल QPR इक्वल्स टू, इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो 45 डिग्री हमारे पास ये आ गया। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है PQR। इन ट्राइंगल PQR इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, हम ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे QPR,
प्लस पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके ओके, अब हमें यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, एक है क्यू पी आर। क्यू पी आर कितना गिवन है, यहाँ पे देखो क्यू पी आर कितना आया था हमारे पास 45 डिग्री, हम यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे। प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना आया था हमारे पास आंसर 70 डिग्री, हम यहाँ लिख देंगे एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ जगह 115 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, 115 डिग्री राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 गए 5, 7 में से बन गए 6। ओके, और इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया है।